अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के कंप्लीट रोड मैप के अबाउट। बेसिकली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुझे ये क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं कि क्या स्टूडेंट फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हाउसवाइफ्स फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जॉब होल्डर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग करने के लिए कितनी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, फ्रीलांसिंग करने के लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं, फ्रीलांसिंग करने के लिए आप लोगों के पास कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितने पैसे आप कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग से, ये सारे क्वेश्चन मुझे सुनने को मिलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ ए टू जी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें, ताकि आप लोगों के जितने भी माइंड के अंदर कन्फ्यूजन हैं फ्रीलांसिंग को लेके वो सारी क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ ही अगर आप इस डिसीजन लेने के अंदर कंफ्यूज हैं कि आप लोगों को फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो कंफ्यूजन भी आपके दूर हो जाएंगी और इस वीडियो के बाद आप लोग ये डिसीजन ले पाओगे कि आप लोगों को फ्रीलांसिंग फाइनली करनी है या नहीं करनी है, अगर करनी है तो कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पर जाके एंड करनी है और किस तरह से उसका रोड मैप होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को तमाम क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रीलांसिंग क्या है और फ्रीलांसर कौन होता है। तो अगर मैं बात करूं फ्रीलांसर की, वो एक ऐसा शख्स जो कि एक ही टाइम के अंदर एक या एक से ज़्यादा लोगों के साथ या फिर एक या एक से ज़्यादा कंपनीज के साथ अपनी मर्जी से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकता हो, उसे हम फ्रीलांसर कहते हैं, राइट। और इस पूरे प्रोसेस को हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। अगर कोई एक ऐसा शख्स है जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहा है, लेट्स सपोज वो मंथ के शुरू में काम शुरू करता है और मंथ के एंड में काम ख़त्म करता है और मंथ के एंड के अंदर वो एक सैलरी लेता है, तो इसको हम जॉब होल्डर कहेंगे, फ्रीलांसर नहीं कहेंगे। फ्रीलांसर अपनी मर्जी से अपनी टर्म्स पे कोई भी प्रोजेक्ट को ले सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है और इसके साथ साथ ही एक या एक से ज़्यादा कंपनीज और लोगों के साथ एट अ टाइम काम कर सकता है अपनी मर्जी से, राइट। तो इसको हम फ्रीलांसर कहेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि फ्रीलांसर एक्चुअल में कौन होता है और फ्रीलांसिंग क्या होती है। इसको अगर मैं समराइज करूँ तो फ्रीलांसर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है जो कि अपनी मर्जी के साथ एक या एक से ज़्यादा कंपनीज या लोगों के साथ काम कर सकता हो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर एट अ टाइम, और साथ साथ उनको क्या कर सकता हो, उनको प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स या प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस के बारे में बताता हो। तो इसको मैं छोटे से एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से एक गवर्नमेंट एक टेंडर निकालती है एक रोड बनाने के लिए, तो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स उस टेंडर के ऊपर अप्लाई करते हैं, बिड करते हैं, अपना प्रीवियस वर्क दिखाते हैं कि हमने ये वाली सड़क बनाई थी, ये वाला पुल बनाया था, और इस तरह से काफ़ी सारे प्रीवियस वर्क दिखाती है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जिसका काम पसंद आता है, जिसकी प्राइसिंग पसंद आती है, वो उसको हायर कर लेती है और उसको वो प्रोजेक्ट दे देती है और उसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्टर काम करना शुरू कर देता है। और इसके साथ साथ ही वो एक से ज़्यादा या किसी और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी काम कर रहा होगा, तो गवर्नमेंट उससे नहीं पूछ सकती कि आप हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो आप लोग किसी और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते, राइट। तो वो एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी मर्जी से काम कर सकता है, तो इसको हम फ्रीलांसिंग कहेंगे। अब फ्रीलांसिंग को अगर मैं दो मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करूँ, तो उनकी मेजर कैटेगरीज हैं, एक हम कह सकते हैं कि ऑफलाइन फ्रीलांसिंग और एक को हम कह देते हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। अब जो ऑफलाइन फ्रीलांसिंग है उसकी एग्जाम्पल मैंने अभी आप लोगों को ये कॉन्ट्रैक्टर वाली दी, तो वो ऑफलाइन फ्रीलांसिंग कर रहा है, किसी भी डिजिटल मीडियम को यूज़ नहीं कर रहा, तो उसको हम कहेंगे ऑफलाइन फ्रीलांसिंग। अगर हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की, तो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग किसी भी डिजिटल मीडियम को यूज़ करते हुए आप अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। लोग फेसबुक के ऊपर अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, लेट्स सपोज कोई लोगो डिज़ाइनर है, उसने लोगो डिज़ाइन करने के लिए फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाया कि मैं लोगो डिज़ाइन करके दे सकता हूँ डिफरेंट लोगों को, जिनको लोगो डिज़ाइन करवाना है वो उसे हायर करेंगे, तो ये भी एक तरह की फ्रीलांसिंग होगी। इसके अलावा काफ़ी डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं जिनके अंदर फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांसर और काफ़ी सारे और प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो कि स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली फ्रीलांसिंग के रेलिवेंट ही बने हुए हैं। इनके ऊपर डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स या अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं और डिफरेंट फ्रीलांसर्स उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करते हैं या अप्लाई करते हैं। अब जिसकी प्रीवियस वर्क और बिड अच्छा लगेगा, प्रपोजल अच्छा लगेगा क्लाइंट को, वो उसको हायर कर लेगा। तो इस तरह से ऑनलाइन फ्रीलांसिंग काम करती है। तो आई होप मैंने आप लोगों को आंसर कर दिया होगा कि फ्रीलांसिंग एक्चुअल में क्या है, फ्रीलांसर कौन होता है, फ्रीलांसिंग का प्रोसेस क्या होता है, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या होती है, ऑफलाइन फ्रीलांसिंग क्या होती है। आगे चल के मैं इस चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप वीडियो के अंदर बने रहें। ओके जी, तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं।
तो इसका आंसर करने के लिए आप लोगों को अपने से कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, जिन क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से आप लोगों ने ये पूछना है कि आप लोग रिस्क टेकर हो, स्ट्रेस टेकर हो? अगर आप हो तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए फ्रीलांसिंग है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जिसको 9 to 5 जॉब काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है, इजी लगती है, और उसके बाद वो अपने आप को और अपनी फैमिली को टाइम अच्छे तरीके से दे पाता है, तो उसके लिए फ्रीलांसिंग बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आप लोगों को फ्रीलांसिंग के अंदर देखने पड़ेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि एक ही मंथ में आप अगले 4 महीनों की इनकम जनरेट कर लेते हैं, और समटाइम ऐसा होता है कि 2-3 महीने आप लोगों को कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलता। ये नॉर्मली होता है शुरू के अंदर, बिगिनर्स फेज के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब काफ़ी सारे लोगों का आपने सक्सेस स्टोरी देखी होगी इंटरनेट के ऊपर कि वो फ्रीलांसिंग से 2 करोड़ कमा रहा है, या फिर फलां शख्स फ्रीलांसिंग से काफ़ी अच्छी इनकम कर रहा है, या कोई आपके सामने कोई वीडियो गुजरी होगी। तो इस तरह की चीज़ें आप देख के आप भी फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, तो इससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी चाहिए और कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। जो सक्सेस स्टोरी आप देख रहे हो सकता है उसको करने के लिए उसे 6 से 7 साल या 10 साल लग गए हैं, उसके बाद उसकी ये सक्सेस स्टोरी आई है। अगर आप लोग ऐसा सोच के फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो कि मैं भी फ्रीलांसिंग शुरू करूंगा और 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर लाखों करोड़ों कमा लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, राइट? तो आप लोगों के लिए जो फ्रीलांसिंग है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। आप पहले लर्निंग करोगे, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग के प्रोसेस में आओगे। फ्रीलांसिंग के अंदर आपकी इनकम थोड़े से शुरू होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होने शुरू होगी जितने आपके क्लाइंट्स बढ़ना शुरू होंगे। अब जो फ्रीलांसिंग की इनकम है वो आपकी स्किल्स पे भी डिपेंड करती है, स्किल लेवल पे भी डिपेंड करती है। ऑब्वियसली आपकी जो स्किल लेवल है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता है, जिसकी बेस पे आप लोगों को बड़े क्लाइंट्स और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस का जवाब अपने आप से पूछ लें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग फ्रीलांसिंग करने के लिए रेडी हो या नहीं हो, या आप लोगों के लिए फ्रीलांसिंग है या नहीं है। अगर यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है तो आप लोगों को फ्रीलांसिंग नहीं करनी चाहिए, राइट? अगर ये वीडियो आप लोग अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब आप लोग डिसाइड कर चुके हो कि आपको फ्रीलांसिंग करनी है। आप लोग वो शख्स हो जो कि स्ट्रेस भी ले सकता है, जिसको जो है रिस्क भी ले सकता है, और उसके साथ साथ वो अपना टाइम भी मैनेज कर सकता है डिफरेंट क्लाइंट्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अब आप लोग ये डिसाइड कर चुके हो कि आपको फ्रीलांसिंग करनी है, तो अब आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए ये डिसाइड करने के बाद कि आपको फ्रीलांसिंग करनी है? तो डेफिनेटली पहला स्टेप जो आप लोगों का होना चाहिए वो है लर्निंग। आप लोगों को कोई ना कोई अच्छी स्किल लर्न करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप फ्रीलांसिंग कर सकोगे। आपके पास अगर कोई स्किल नहीं है तो आप अपनी सर्विसेज कैसे ऑफर करोगे, या कोई भी शख्स आप लोगों को पैसे क्यों देगा, आप लोगों को क्यों हायर करेगा जब आपके पास कोई स्किल ही नहीं है, जब आप उसके लिए कोई काम परफॉर्म ही नहीं कर सकते? तो आप लोगों को सबसे पहले कोई स्किल सीखनी पड़ेगी। अब स्किल सीखने का प्रोसेस क्या है, कौन सी स्किल सीखी जाए जो कि अगले 10-15-20 सालों के लिए आप लोगों के लिए अच्छी साबित हो, आप लोगों को अच्छे पैसे जनरेट करके दे? तो इसका सिंपल सा आंसर यह है कि सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को देखें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या चीज़ करने में अच्छा लगता है। पहले तो आप लोग लिस्ट निकालें कि फ्रीलांसिंग करने के लिए कौन सी अच्छी स्किल्स हैं। तो वो आप करने के लिए आप गूगल की मदद ले सकते हो, यूट्यूब की मदद ले सकते हो, आप सर्च कर सकते हो टॉप 10 फ्रीलांसिंग स्किल्स इन 2023, तो आप लोगों के सामने काफ़ी सारी लिस्ट आ जाएगी, उनको आप आइडेंटिफाई करें। अब वहाँ पे अगर आप लोगों को कोई भी स्किल आपके जो इंटरेस्ट है उसे मैच करती हुई हो तो उसको सीखना शुरू करें, राइट? इसके साथ साथ ही अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, तो फिर आप क्या करें, आप उन सारी स्किल्स को बारी बारी सर्च करें कि इनके अंदर क्या होता है, किस तरह से ये सारा काम होता है। लेट्स सपोज वीडियो एडिटिंग में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, इसी तरह से वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जब इनके बारे में आप सर्च करोगे तो आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो भी स्किल फैसिनेटिंग लगे, आप लोगों को अच्छा लगे कि यार ये स्किल जो है ये अच्छा लग रहा है मुझे, इसको मुझे करना चाहिए, तो फिर उसको आप चूज़ करें और उसको आगे लेके चलें। बट स्टिल अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, अपनी कन्फ्यूजन टेक्स्ट करो, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगा, बताऊंगा कि जो आप सोच रहे हो क्या ये सही है नहीं है, कौन सी स्किल आप लोगों को चूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू योर
अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें हैं राइट। तो मैं आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह कंसल्ट करूँगा, जो भी कन्फ्यूजन होंगी उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आई होप मैंने आप लोगों को आंसर कर दिया है कि कौन लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, क्या आप लोग उनमें से एक हो या नहीं हो। अगर आप हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दें। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके, तो अब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि कौन सी स्किल आप लोगों को सीखनी है और आपने एक दो महीने लगा के वो स्किल सीख ली है राइट। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट सीख लिया है, आप लोगों को आता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को स्किल आ गई, आप उसकी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। अब वो सर्विसेज आप लोग कहाँ कहाँ ऑफर कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रीलांसिंग को अगर मैं मेजरली डिफाइन करूँ तो दो टाइप्स में, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। अब ऑफलाइन की पहले सबसे बात कर लेते हैं। आपके पास एक स्किल है, आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, तो आप क्या करें कि अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, उनको जाके अपनी स्किल्स या अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक शॉप है आपके इर्द गिर्द जो कि आपको क्या कर रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट सेल कर रही है राइट। तो आप लोग उसके पास जाके कह सकते हो कि मैं आप लोगों के लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, आप लोग अपना जो सामान है, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको ऑनलाइन भी बेच सकते हैं उस वेबसाइट के बाद। तो इस तरह से आप ऑफलाइन किसी को कन्वर्ट कर रहे हो, वो आपका क्लाइंट बन गया, आपको काम दिया उसने, आपने इसको वेबसाइट बना के दी और इन रिटर्न उसने आपको पेमेंट्स कर दी। तो इस तरह से अपने इर्द गिर्द लोकली आप क्या कर सकते हो, ऑफलाइन जाके बिजनेसेस को अप्रोच करके अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो राइट। तो पहला तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप लोगों को डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करने हैं, जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, पीपल पर आवर हो गया, freelancer.com हो गया, guru.com हो गया, इस तरह के और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स। अब आपकी स्किल क्या है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को चीज़ें ज्वाइन करनी है। अब इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर से कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे पहले आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए या कंटिन्यूस कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, तो तीन प्लेटफॉर्म तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूंगा, जिनके अंदर फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया और उसके साथ साथ हमारे पास पीपल पर आवर हो गया। तो एज अ बिगिनर आप लोगों को अगर शुरू करना है तो सबसे पहले आप शुरू करें फाइवर और पीपल पर आवर से। जब आप इनके ऊपर अपनी प्रोफाइल बना लें और सारी चीज़ें सेटअप कर लें, उसके बाद यहाँ पे अपनी सर्विसेज लगाएं। अब आप लोगों को नहीं पता कि पीपल पर आवर या फाइवर के ऊपर किस तरह से अकाउंट बनाते हैं, किस तरह से उनको यूज़ करते हैं, किस तरह से आप अपनी सर्विसेज वहाँ पे लगाते हो, किस तरह से क्लाइंट से अप्रोच करते हो, ये सारी चीज़ें। तो मैं इन इनके लिए मैंने बिल्कुल डेडिकेटेड कोर्स रिकॉर्ड किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, जिसके अंदर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उस आप चैनल के अंदर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और आप लोगों को कंप्लीट प्लेलिस्ट इन दोनों चीज़ों के मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जब आप इनके ऊपर थोड़ा सा काम शुरू कर दें, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि अपवर्क के ऊपर भी जाके अपनी प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं, वहाँ पर भी डिफरेंट क्लाइंट्स और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से ज्वाइन करना है, उसके रेलिवेंट भी मैंने कंप्लीट डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इनके ऊपर भी आप अपनी एक डेडिकेटेड प्रोफाइल बनाएं, अपने आप को वहाँ पे नॉमिनेट करें, बताएं कि मेरे प्रोफाइल को अपडेट करें, वहाँ पे अपनी स्किल्स वगैरह मेंशन करें और फिर फेसबुक पे लोगों को आप क्या कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, और इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे फेसबुक और सोशल मीडिया से, क्योंकि मुझे भी मिलते हैं और मैं भी उनके साथ काम करता हूँ। तो आई होप मैंने आप लोगों को आंसर कर दिया कि आप लोगों को स्किल सीखने के बाद अब किस तरह से कौन से प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करने चाहिए और किस तरह से नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं अगले स्टेप की कि अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, कि आप लोगों ने प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन कर लिए, अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। ओके, तो आप लोगों को अब फ्रीलांसिंग के अंदर आ गए हो, आप लोगों ने प्रोफाइल बना ली है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अपना पहला क्लाइंट आप लोगों को किस तरह से लेना है, या क्या टेक्निक्स हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आपको आपका क्लाइंट, पहला क्लाइंट जल्दी मिल जाए। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताने चाहूँगा कि आप लोगों ने स्ट्रांग रहना है, आप लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं होना, आप लोगों ने कंटिन्यूस काम करते रहना। अगर 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आप लोगों को अगर क्लाइंट नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो भी सीखा, जो भी किया वो सारा वेस्ट गया। आप लोगों ने बस कंटिन्यूस रहना है इस पूरे प्रोसेस के दौरान। आप लोग एक थ्रेशोल्ड रख लें कि एटलीस्ट 6 मंथ तक मैं ये काम करूँगा, क्लाइंट हंटिंग करूँगा या करूँगी, तो इसके दौरान अगर मुझे प्रोजेक्ट मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर मैं छोड़ दूंगा। और मैं गारंटी देता हूं अगर आप कंटिन्यूस और बिल्कुल दिल से 6 महीने तक ये पूरा प्रोसेस करते रहें, क्लाइंट हंटिंग करते रहें, अपवर्क पे अप्लाई करते रहें, फाइवर के ऊपर अपने गिग्स
पोस्ट करें और ऑनलाइन रहें, वहाँ पे पीपल पर आवर पे आप प्रोजेक्ट्स पे बिड करें, तो आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर क्लाइंट्स मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने एक्टिव रहना है, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी सर्विसेज को मेंशन करना है। आप लोगों ने एक अलग प्रोफाइल बना लेनी है, उसके ऊपर अपनी आइडेंटिटी मेंशन कर देनी है, उसके ऊपर अपनी सारी स्किल्स मेंशन कर देनी है और इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं फेसबुक के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर जो कि फ्रीलांसिंग के रेलिवेंट हों या फिर किसी भी बिजनेसेस के रेलिवेंट हों, तो वहाँ पर आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट जॉब्स भी पोस्ट कर सकते हैं जिनके ऊपर आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप लोगों को आपका जो पहला क्लाइंट है वो जल्दी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ ही मैंने कुछ वीडियोस इसके अबाउट डेडिकेटेडली बनाई हुई हैं, उनको आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर मैं बात करूं कि आप लोगों ने फ्रीलांसिंग के अंदर आ गए, आप लोगों को मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पहला क्लाइंट भी मिल गया किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो अब आप अपनी पेमेंट्स किस तरह से लेते हो फ्रीलांसर से और अपनी पेमेंट किस तरह से लेते हो अपने क्लाइंट से और आप लोग किस तरह से उसको वर्क डिलीवर करते हो। लेट्स सपोज एक क्लाइंट ने आपको हायर किया, एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, एक रिक्वायरमेंट्स दी, आपने उसके मुताबिक उसको काम करके दे दिया, उसके बाद आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए कितने मीडियम्स हैं, किस तरह से रिसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला मीडियम है पायनियर। पायनियर एक सर्विस है ऑनलाइन जिसके ऊपर आप अकाउंट बनाओगे और वहाँ पे आप अपने डॉलर्स रिसीव कर सकते हो इंटरनेशनल क्लाइंट से, इवन लोकल क्लाइंट से भी, राइट। इसके साथ साथ हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो पेपाल है, पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर आप यूएई, सऊदी अरब या इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वहाँ पे पेपाल को यूज़ कर सकते हैं या कोई भी और सर्विस पेपाल से रेलिवेंट। इसके साथ साथ ही हम अपना लोकल बैंक भी यूज़ कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम डायरेक्ट अपनी पेमेंट्स जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से अपने बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर पायनियर से अपने बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, अपनी पेमेंट्स रिसीव कर सकते हो लोकली और इंटरनेशनली। तो इनके अंदर पायनियर है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास अपना लोकल बैंक है, डायरेक्ट लोकल बैंक, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, पेपाल है। तो ये तीन मेजर पेमेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप अपने डॉलर्स पेमेंट्स किसी भी करेंसी में रिसीव कर सकते हो। और लास्टली अगर मैं लोकल पेमेंट मेथड्स की बात करूं तो सादा पे ने एक रिसेंटली एक ऑनलाइन पेमेंट्स रिसीव करने के लिए सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन चार्जेस हैं। तो सबसे प्रायोरिटी वाला काम है वो है आपके पास एक अदद पायनियर होना चाहिए, इजीली बन जाता है, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स खास रिक्वायर्ड नहीं है आपके पास, जस्ट एक आईडी कार्ड होना चाहिए अकाउंट बनाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। पूरी वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप पायनियर का अकाउंट बनाते हो, कौन कौन सी डिटेल्स लगती हैं, अपना पायनियर का अकाउंट सेटअप कर लें, उसके बाद सिंपल आप अपनी अमाउंट्स रिसीव कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि पेमेंट रिसीव करने के लिए कितने पेमेंट मेथड्स हमारे पास मौजूद हैं और किस तरह से वो प्रोसेस होते हैं। अब जब फ्रीलांसिंग के जो मैंने कोर्सेज बताए हैं फाइवर अप पर, उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो मज़ीद जो आपके कन्फ्यूजन है वो वहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो जहाँ फ्रीलांसिंग के इतने ज़्यादा फायदे हैं वहाँ पे फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारे स्कैम्स भी हैं, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ स्कैम्स के अबाउट बताना चाहूँगा ताकि आप लोग मोहतात रहें और अपनी कोई भी नुकसान ना कर बैठे, राइट। तो सबसे पहली जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बात बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने कहीं पे भी किसी भी जगह पे भी अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी शख्स को नहीं देनी। अगर कोई भी शख्स आपको लिंक्डइन या किसी भी प्रोफाइल के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगता है, मतलब वो आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगता है पर्सनल, अगर आपके पास कोई बिजनेस फ़ोन नंबर है तो वो आप दे सकते हैं, राइट। अगर आपसे वो आईडी कार्ड मांगता है या कोई और लीगल डॉक्यूमेंट मांगता है तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देना, वो 200% स्कैम है, राइट। तो आप लोगों ने बिल्कुल अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी। दूसरी चीज़, अगर कोई भी शख्स आप लोगों को ये कहता है कि ठीक है आप 2000, 1000, 5000, 10000 आप डिपॉजिट करें, ठीक है, डिपॉजिट करने के बाद आपकी जो है जॉब लग जाएगी ऑनलाइन, इस तरह का कोई बात करता है, या आपको कॉन्ट्रैक्ट्स देना हम शुरू कर देंगे, इस तरह का कोई बात करता है, तो वो टोटली स्कैम है। आप लोगों ने कोई पैसा नहीं देना किसी भी जगह पे, राइट।
इसके साथ साथ ही अगर डिफरेंट फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस के ऊपर आप अकाउंट बना रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को आपकी पर्सनल डिटेल्स या आइडेंटिटी देनी पड़ती है, बट वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स है जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, पीपल बराबर हो गया, इनके ऊपर अगर ये चीज़ें मांग रहे हैं तो इनके ऊपर दें। लेकिन अगर कोई शख्स पर्सनली आपसे मांग रहा है और कह रहा है कि मैं वहाँ पर डाल दूंगा, ये करना है मैंने, वो करना है, तब आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी उसके स्कैम में नहीं आना और आप लोगों ने पर्सनल डिटेल्स कभी भी नहीं प्रोवाइड करनी, राइट। इसके साथ साथ ही आप लोगों को कुछ फाइल्स किस डिफरेंट फ्रीलांसिंग मीडिया मार्केट प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट लोग आपको डिफरेंट फाइल्स भेजते हैं, तो काफ़ी सारी सस्पिशियस फाइल्स भी होती हैं जिनके अंदर एंड पे .exe लिखा होता है। अगर आप उनको ओपन करते हो तो आपका जो लैपटॉप है वो हैक होने के चांसेस होते हैं, तो इस तरह की फाइल्स को भी आपने अवॉइड करना है, मतलब एहतियात से चीज़ों को ओपन करना है, राइट। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने नोट करनी है। इसके साथ साथ ही काफ़ी सारे स्कैम्स मौजूद हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, उनसे आपने बचना है। मेक श्योर कि आप जिस भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री देख लें। हिस्ट्री किस तरह से देखनी है कि आप उसका प्रोफाइल ओपन करके देख लें कि इसकी प्रोफाइल कब बनी है। अगर उसकी प्रोफाइल रिसेंटली बनी है और वो आपसे कुछ इस तरह से सस्पिशियस एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है, कोई पर्सनल डिटेल मांग रहा है या कोई और चीज़ कह रहा है या आपको टेलीग्राम पे ऊपर बुला रहा है, तो वो स्कैम है। आप उसको ब्लॉक कर दें, उसकी रिपोर्ट कर दें, उसके साथ आप बिल्कुल काम नहीं करें। और बहुत सारे लोग इस तरह से भी होते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर कि वो आपको कहते हैं कि सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और आपको $10,000 मिलेंगे। अब $10,000 कॉपी पेस्टिंग के नहीं होते। अब जो बेचारे भोले वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इस स्कैम के अंदर आ जाते हैं, वो कहते हैं वाओ $10,000 हमें मिलेंगे, तो वो जो भी वो इंस्ट्रक्शन देता है नेक्स्ट पर्सन, आप उस पर अमल करते जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये रियलिटी नहीं है, आप रियलिटी से बाहर निकल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप लोगों ने बचना है। इसके साथ साथ अगर कोई भी सस्पिशियस चीज़ आप देखें तो किसी भी सीनियर से आप कंसल्ट कर लें कि इसके साथ मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई और नहीं मिल रहा तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों की इसके बारे में हेल्प कर दूंगा। तो आई होप मैंने आपको कुछ स्कैम्स के अबाउट बता दिया है, बाकी आपके अंदर थोड़ी सी कॉमन सेंस है आप उनको एनालाइज कर सकते। तो लास्टली आप लोगों से मैं कुछ बात करना चाहूँगा, कुछ टिप्स हैं आप लोगों के लिए जो कि आप लोगों को माइंड में रखनी है। अब आप लोगों का पूरा फ्रीलांसिंग सेटअप हो चुका है, अब आप माशाल्लाह डॉलर्स के अंदर कमाना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ से अब आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप लोग लॉन्ग रन के लिए फ्रीलांसिंग के अंदर टिके रहें। तो सबसे पहली बात अगर मैं कर लूँ तो ऑलवेज आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप डॉलर्स में कमा रहे हो लेकिन आप स्पेंड PKR में कर रहे हो। तो इस तरह से आपने स्पेंड नहीं करना कि यार मैं तो डॉलर्स में कमा रहा हूँ, सिर्फ $1 दिया 300। तो आप लोगों को क्या करना है कि उसको बहुत ही एहतियात के साथ खर्च करना है और मेक श्योर करें कि आप लोग अपनी सेविंग को अच्छी रखें, क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारे मंथ इस तरह के भी आ जाते हैं जिसके अंदर आप लोगों को कोई बिजनेस नहीं मिल रहा होता, तो फिर आप परेशान हो जाते हो। तो आप लोग जिस महीने के अंदर आप लोगों ने 2-3 मंथ की इनकम की है तो उसको अगर आप सेव रखें तो आप के बिजनेस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो वो ये है कि आप लोगों को अपना पर्सनल और बिजनेस अकाउंट पेमेंट्स के लिए हमेशा सेपरेट रखना है। मतलब बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं वो आप लोगों को बिजनेस से ही करने हैं और जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो पर्सनल अकाउंट से करने हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि लोग बस बिजनेस के अंदर लगाए जा रहे होते हैं, पर्सनल कुछ नहीं रख रहे होते, और बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे होते हैं कि जो वो कमा रहे हैं वो सारा पर्सनल के ऊपर लगा रहे हैं, बिजनेस के ऊपर वापस कुछ खर्च नहीं कर रहे। अब वापस खर्च करने से क्या मुराद है कि आप कोई अच्छा स्किल सीख रहे हैं, ठीक है, साथ साथ अपनी स्किल को अपग्रेड कर रहे हैं। अगर आपको एक स्किल आती है तो उसके साथ साथ दूसरा स्किल सीखना शुरू कर दें, राइट। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्द आप इस मार्केट से आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको कॉन्स्टेंटली नई से नई स्किल सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें देखनी है कि आप लोग उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ देखनी है कि आपका जो सोशल मीडियाज़ हैं वो आप लोगों के बिजनेस से रेलिवेट करते हों, रेलिवेंट हों। आपके जो पर्सनल सोशल मीडिया हों उनको आप सेपरेट रखें, और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी इंटरेक्ट करें, अपने व्हाट्सएप के ऊपर भी रखें। मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा, अगर आप एक लड़की हैं तो ज़रूर अपना एक बिज़नेस नंबर ले लें जिसके ऊपर आप अपने क्लाइंट्स को डील करें। आप लोगों को काफ़ी सारी सिचुएशन इस तरह की फेस करनी पड़ सकती हैं जिसमें आपको काफ़ी सारे इशूज़ आते हैं,
तो अपना पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल सोशल मीडिया, पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर कभी भी शेयर ना करें किसी भी क्लाइंट के साथ या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, राइट। तो आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना, और जब आपके साथ क्लाइंट्स जो हैं वो व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट होंगे तो आप लोगों को देखते रहेंगे और आप लोगों को कंटिन्यूस काम देते रहेंगे। मतलब आपको उनको नया फ्रीलांसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको पता है हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक पर्सन है जिसके साथ हमने पहले भी काम किया, बंदा ट्रस्टेड है, अच्छा काम प्रोवाइड किया था, तो वो लाइकली आप लोगों को ही दोबारा हायर करें। तो इस तरह से आपका कंटिन्यूस वर्क करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी कुछ टिप्स थी जो मैंने आप लोगों को बता दी, और कंप्लीट फ्रीलांसिंग रोड मैप के अबाउट आपको सारा कुछ बता दिया। स्टिल आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का ऑप्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला है, वहाँ पर जाएँ, फॉलो करें, और उसके बाद जो भी क्वेरी है आप मुझे वहाँ पर DM कर दें। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर उसका रिस्पॉन्स करूँगा, बताऊँगा कि आपका जो भी कन्फ्यूजन है उसका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो कम्प्लीटली पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, नीचे कमेंट कर दें, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है या फिर एक अप्रिशिएशन कमेंट ही कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह।